Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Chalo, let's start the session. Today, our subject is computer. Take out your computer. Book. Chalo, second standard. Chalo, isme humne unit kaun se complete kiye hai? How many units we have done? No, we have new for computer, right? Humne abhi unit start nahi ki hai. So, today we are going to learn computer. Chalo, first wala unit kaun sa hai? Dekho, what is a computer? क्या है टाइटल? व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन. क्या है? एक मशीन है. चलो यहाँ पे देखो, अ कंप्यूटर इज अ मशीन. इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर एंड स्पीकर्स. चलो कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है. जैसे आपके घर में टेलीविजन है, मोबाइल है, टैबलेट्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसके बाद फैन होते हैं, वॉशिंग मशीन होता है, तो ये सब कुछ क्या है? मशीन्स है, राइट? मशीन्स कौन बनाते हैं? ह्यूमंस बनाते हैं. कौन बनाते हैं? इंसान. हम बनाते हैं मशीन. मशीन जो है वो नेचुरल थिंग नहीं है. नेचुरल थिंग कौन सी होते हैं? नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीज है, माउंटेन, सन, मून, स्टार्स, हमारा प्लेनेट जो है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? नेचर प्रोवाइड करते हैं. ये सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है. लेकिन ये जो मशीन है वो हम बनाते हैं. कौन बनाता है? मशीन जो है वो ह्यूमंस बनाते हैं, इंसान बनाते हैं. तो कंप्यूटर एक मशीन है. जैसे टेलीविजन है, मोबाइल है, वैसे भी कंप्यूटर एक मशीन है. कंप्यूटर इज अ मशीन. इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक कौन से पार्ट्स होते हैं उसके मेन पार्ट्स? मॉनिटर. मॉनिटर मतलब ये जो स्क्रीन है उसका मॉनिटर बोलेंगे. देन कीबोर्ड. चलो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कंप्यूटर लर्न किया था, राइट? तो उसमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आपने जान लिया होगा. तो ये जो है वो मॉनिटर स्क्रीन है. टीवी की स्क्रीन होती है वैसा ही ये मॉनिटर होता है. उसके ऊपर क्या आता है? जो भी आप यहाँ से कीबोर्ड में से टाइप करोगे वो कहाँ पे आएगा? मॉनिटर में. उसके बाद माउस, सॉरी सीपीयू. ये क्या है सीपीयू? इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट. क्या है ये? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है. तो ये जो आप जो भी यहाँ से टाइप करोगे, राइट करोगे, तो वो कहाँ पे आएगा? पहले सीपीयू में प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा. अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, अगर आप कंप्यूटर पे कुछ ड्रॉ करते हो, तो सबसे पहले आप कहाँ से ड्रॉ करोगे? माउस और कीबोर्ड का यूज करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेस होकर फिर यहाँ पे स्क्रीन के आपको स्क्रीन पर आपको वो दिखाई देगा. उसके बाद स्पीकर्स. चलो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है, राइट? विजुअल मतलब आपको दिखना. स्क्रीन के ऊपर आप सब कुछ देख सकते हो और आप सुन कहाँ पे सकते हो? कहाँ से वो आवाज आएगी? सीपीयू स्पीकर में से. कहाँ से आएगी? स्पीकर्स. आपको अगर कार्टून देखना हो या फिर आपको सॉन्ग कोई बज रहा हो, गाना बज रहा हो, वीडियो सॉन्ग चल रहा हो, तो उसका जो विजुअल होता है, मतलब जो देखने का कार्टून आप कहाँ पे देखते हो? स्क्रीन के ऊपर देखते हो. लेकिन वो जो आवाज आती है कार्टून में से, जो आवाज आती है वो कहाँ पे आएगी? कहाँ से आएगी? स्पीकर्स में से. कहाँ से आएगी? स्पीकर्स में से. उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर. चलो प्रिंटर क्या होता है? जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आपने कुछ टाइप किया है, आपने कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाती है, राइट? उसके बाद चलो, तो यहाँ पे क्या है? कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्पीकर. स्पीकर पे क्या बचता है? गाना बचता है. उसके बाद ये क्या है? माउस है. माउस क्या है? प्रोसेस करनी होती है. जैसे कि यहाँ पे अगर आप कुछ ड्रॉइंग कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो माउस क्या करता है? यहाँ पे एरो दिखाता है आपको कि अभी आपको कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है, कहाँ पे पीछे आना है. तो ये माउस की प्रोसेस है. फिर कीबोर्ड में क्या होता है? नंबर कीज होती है और अल्फाबेट्स होते हैं. क्या होते हैं? ए टू जेड. यहाँ पे की होती है जिसमें आपको टाइप करना होता है, तो अब यहाँ पे टाइप करोगे. उसके बाद ऊपर नीचे आगे पीछे ले जाने के लिए अलग अलग कीज होती है. उसके बाद नंबर कीज, 1 से 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं. कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक के नंबर्स. तो ये नंबर कीज और ये अल्फाबेट A to Z वाली कीज होती है. उसके बाद प्रिंटर. प्रिंटर जो होती है वो क्या होता है? अगर आपको यहाँ पे जो भी कुछ दिया गया है, आपने कुछ ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में होता है. कैसे सेव होता है? यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में. अगर आपको पेपर में उसको लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट निकालनी पड़ेगी उसकी. जैसे कि आपको आपके मोबाइल में पेपर्स आते हैं, राइट? PDF जो होती है वो टीचर आपके भेजते हैं. उसके बाद एग्जाम में या फिर आपकी जो यूनिट टेस्ट होती है, वीकली टेस्ट होती है, तो उसमें क्या करना होता है? उसका प्रिंट निकालना पड़ता है, राइट? तो क्या करते हैं आपकी मम्मा या पापा? उसका प्रिंट निकालते हैं. तो वो कौन सा मशीन काम करता है? वो प्रिंटर मशीन. क्या है ये? प्रिंटर मशीन, जिसमें से प्रिंट निकाली जाती है. टर्न द पेज. चलो कंप्यूटर. अब एक कंप्यूटर, चलो यहाँ पे देखो, इट वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है. जो हमारा दिमाग होता है उससे भी ज्यादा वो काम स्पीड से करता है. इट मेक्स अवर वर्क वेरी इजी. जो हमारा वर्क होता है वो एकदम इजी कर लेता है. अगर यहाँ पे आप राइटिंग करते हो, अगर आपको कोई पेपर निकालना है, तो राइटिंग करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा, राइट?
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइटिंग नहीं करना है, कंप्यूटर में अगर आप अपना नेम राइट करोगे तो वो जल्दी से टाइप हो जाएगा। आपको कुछ टाइप करना हो तो आप टाइप करके उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। ऐसे क्या होगा, आपको राइट जो करना होता है उसका टाइम बच जाएगा और आप जल्दी से टाइपिंग करके उसकी प्रिंट निकाल के यूज कर सकते हो, तो वो बहुत ही जल्दी काम देता है। इट कैन रिमेम्बर मैनी थिंग्स, चलो कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारी चीजें याद रखता है। कोई ऐसी चीजें होती है जो आप भूल जाते हो, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो वहां पे डेटा सेव रखता है। ऑलवेज आप वहां से डेटा जो होते हैं वो आप ले सकते हो। जैसे कि आज आपने इंग्लिश का पेपर टाइप किया है, कल आपको गुजराती का करना है, उसके बाद मैथ्स का करना है, तो इंग्लिश का जो टाइप किया हुआ पेपर है वो यहाँ पे सेव रहता है, मतलब कंप्यूटर उसको याद रख लेता है, तो वो डेटा जो होता है वहां पे सेव होता है। उसके बाद कल अगर आपको इंग्लिश का वापस पेपर चाहिए तो वो आप निकाल के प्रिंट निकाल सकते हो, तो वो जल्दी से चीजें जो होते हैं वो याद रखता है। इट कैन डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट। चलो जो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी एक मशीन है राइट, जैसे कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करते हो नंबर्स को, वैसे भी यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बड़े बड़े जो डिजिट के नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर एडिशन करना है या डिविडेंड करना है, डिवाइड करना है, तो वो सब कुछ जल्दी से अगर आप ऐसे पेपर में वो सम जो है वो सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप जल्दी से उसमें जो नंबर है वो एंटर करोगे तो एक ही सेकेंड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो वो बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन करता है। इट डज नॉट गेट टायर्ड इवन If it works for a long time, चलो आप अगर कुछ राइट कर रहे होते हो तो आप थक जाते हो राइट, आपके हैंड्स जो होते हैं वो पेन करने लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी थकता ही नहीं, आप उसके साथ घंटों आर्स तक आप उनके साथ बैठ के काम कर सकते हो। इट डज नॉट मेक मिस्टेक, या तो फिर वो मिस्टेक भी नहीं करता। अगर आप कुछ राइटिंग कर रहे होते हो तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक या फिर नंबर्स की जो मिस्टेक होती है वो आप मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में मिस्टेक्स नहीं होती है। इट कैन नॉट थिंक, और कंप्यूटर जो है वो सोचता भी नहीं है, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं उनको सोच सोच के कुछ लिखना होता है, बोलना होता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, वो थिंक नहीं करता है, वहां पे सीधे प्रोसेस स्टार्ट होती है। चलो अभी यहाँ पे देखो ह्यूमन बींग, चलो ह्यूमन बींग्स दे कैन वर्क वेरी फास्ट, सॉरी दे कैन नॉट वर्क वेरी फास्ट। चलो ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे किसकी जो क्वालिटीज है वो दिखाई दी है, कंप्यूटर की। अभी यहाँ पे ह्यूमन बींग मतलब ह्यूमन कौन आते हैं, हम होते हैं, हम क्या है, ह्यूमन है, इंसान है, तो दे कैन नॉट वर्क वेरी फास्ट, हम इतना जल्दी कंप्यूटर के जैसा वर्क जो है वो फास्ट फास्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रिमेम्बर मेनी थिंग्स, एक साथ हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते। दे कैन नॉट डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट, हम जो कैलकुलेशन होते हैं, सम्स होते हैं, उनको जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते। देन दे कैन गेट टायर्ड इफ दे वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, चलो हम बहुत ही ज्यादा घंटों तक काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। दे कैन मेक मिस्टेक, हम मिस्टेक भी करते हैं, और दे कैन थिंक, और हमें सोचना भी पड़ता है। चलो यहाँ पे देखो कंप्यूटर जो है, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है, ये सीपीयू है, उसके बाद ये कीबोर्ड है, ये उसके माउस है, तो यहाँ पे कौन यूज कर रहा है, आपके जैसे जो चिल्ड्रन है वो कंप्यूटर यूज कर रहा है। नाउ टर्न द पेज, ओके एक्सरसाइज, यहाँ पे देखो पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द राइट सेंटेंस एंड क्रॉस मार्क अगेंस्ट द रॉन्ग वन। चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स दिखाने है। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर जल्दी से काम करता है, यस, तो मैंने यहाँ पे राइट किया है। देन अ कंप्यूटर कैन थिंक, कंप्यूटर थिंक कर सकता है, नो, वो थिंक नहीं कर सकता, उसको थिंक नहीं करना पड़ता। अ कंप्यूटर कैन मेक मिस्टेक, वो मिस्टेक करता है, नो, इट इज फॉल्स। अ कंप्यूटर गेट्स टायर्ड, वो टायर्ड हो जाता है, नो, नहीं होता है, ह्यूमन्स जो होते हैं वो टायर्ड हो जाते हैं। देन अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर मैनी थिंग, कंप्यूटर जो होता है बहुत सारी चीजें याद रखता है, यस, अ कंप्यूटर इज अ मशीन, यस, इट इज अ मशीन, ट्रू। अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक अवर वर्क इजी, कंप्यूटर हमारा काम जो है वो इजी बनाता नहीं है, ऐसा होता है, नो, वो हमारा वर्क जो होता है वो इजी बनाता है, इट इज अ फॉल्स। देन अ कंप्यूटर कैन डू बिग कैलकुलेशन फास्ट, यस, कंप्यूटर जो है वो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेता है, यस, इट इज राइट आंसर। देन अ ह्यूमन बींग कैन नॉट थिंक, क्या हम सोच नहीं सकते, ह्यूमन जो होते हैं सोच नहीं सकते, थिंक नहीं कर सकते, नो, इट इज फॉल्स, हम सोचते हैं, हमें सोच के काम करना पड़ता है। देन अ ह्यूमन बींग कैन मेक मिस्टेक, यस, हम मिस्टेक करते हैं। चलो तो यहाँ पे आपको, अगर आपके पास बुक है तो आप में आपको इसमें राइट कर लेना है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको परचेस नहीं करना है। चलो जिसके भी पास बुक नहीं है उनको परचेस नहीं करना है अभी, जिसके पास कंप्यूटर की बुक अवेलेबल है उनको राइट कर लेना है यहाँ पे, जिसके पास नहीं है उनको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से आप बच्चों को एग्जाम में लर्न करवा सकते हो। चलो अभी यहाँ पे देखो मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स, चलो आपको क्या करना है, मैच करना है पिक्चर को वर्ड्स के साथ। चलो ये क्या है, मॉनिटर है, किसका पिक्चर है, मॉनिटर, एम फॉर मॉनिटर, मॉनिटर का स्पेलिंग देखो यहाँ पे,
मैच करो देन व्हाट इज दिस माउस क्या है ये माउस एम फॉर माउस एम ओ यू एस ई एंड दिस वन इज कीबोर्ड के फॉर कीबोर्ड तो ऐसे मैच कर लो उसके बाद यहाँ पे देखो सीपीयू स्पीकर एंड प्रिंटर तो ऐसे आपको मैच कर लेना है सीपीयू कहाँ पे है दिस इज सीपीयू तो यहाँ पे सीपीयू के साथ मैच करो ये प्रिंटर मशीन है पी फॉर प्रिंटर एंड स्पीकर तो स्पीकर के साथ यहाँ पे मैच कर दो ये आपको कर लेना है उसके बाद सर्कल द राइट वर्ड चलो ये किसका पिक्चर है सीपीयू का है किसका है सीपीयू सीपीयू का स्पेलिंग फाइंड करो यहाँ पे है तो ऊपर सर्कल बना दो देन दिस वन इज माउस क्या है ये माउस का पिक्चर है मॉनिटर माउस प्रिंटर एम फॉर माउस एम ओ यू एस ई सर्कल ऑन इट देन दिस वन इज कीबोर्ड के फॉर कीबोर्ड कीबोर्ड स्पीकर मॉनिटर कीबोर्ड के ऊपर सर्कल बनाओ टर्न द पेज चलो अभी यहाँ पे सर्कल द राइट वर्ड ये क्या है मॉनिटर है ये क्या है मॉनिटर तो यहाँ पे एम फॉर मॉनिटर देन दिस वन इज प्रिंटर तो उसके ऊपर सर्कल बनाओ एंड एस फॉर स्पीकर इसका पिक्चर है ये स्पीकर का तो एस पी ए के ई आर एस स्पीकर चलो उसके बाद लुक रीड एंड राइट चलो यहाँ पे आपको मॉनिटर का स्पेलिंग जो जितने भी स्पेलिंग है यहाँ पे मॉनिटर स्पीकर प्रिंटर सीपीयू माउस कीबोर्ड राइट तो वो सारे स्पेलिंग्स आपको लर्न करने हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला एम नीचे आपको थ्री ब्लैंक्स दी गई है आपको राइट कर लेना है एम ओ एन आई टी ओ आर फॉर्मेशन के साथ राइट करना है फोर लाइन में राइट चलो तो ये आपको कर लेना है मॉनिटर कीबोर्ड फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल बी ओ ए आर डी कीबोर्ड देन माउस एम ओ यू एस ई माउस मॉनिटर कीबोर्ड माउस ये स्पेलिंग्स आपको लर्न करने हैं स्पीक एंड राइट देन सी पी यू ऑल द लेटर्स विल बी कैपिटल सी पी एंड यू देन स्पीकर्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एस पी ए के ई आर एस स्पीकर देन दिस वन इज प्रिंटर पी आर आई एन टी ई आर प्रिंटर सीपीयू स्पीकर प्रिंटर कीबोर्ड मॉनिटर एंड माउस तो ये राइट कर लेना है नाउ सर्कल द राइट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है आपको पिक्चर देखो उसके ऊपर सर्कल बनाओ जो भी राइट नेम है और यहाँ पे राइट करो चलो ये किसका पिक्चर है माउस का है ये क्या है ये माउस दिस इज अ माउस राइट द स्पेलिंग ऑफ माउस हियर एम ओ यू एस ई एंड सर्कल द वर्ड चलो माउस के ऊपर सर्कल बना दो देन कीबोर्ड ये किसका पिक्चर है कीबोर्ड है सीपीयू या है कीबोर्ड है कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ऊपर सर्कल बना दो दिस इज अ कीबोर्ड के ई वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड देन दिस वन इज मॉनिटर किसका पिक्चर है मॉनिटर मॉनिटर के ऊपर सर्कल करो एम ओ एन आई टी ओ आर दिस इज अ मॉनिटर राइट द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर हियर Turn the page. What is this? CPU है किसका पिक्चर है ये CPU किसका पिक्चर है CPU सर्कल बनाओ यहाँ पे दिस इज CPU CPU स्पेलिंग राइट करो यहाँ पे ये किसका पिक्चर है स्पीकर है ये दीज आर स्पीकर क्या है ये स्पीकर सर्कल करो स्पेलिंग राइट करो एंड दिस वन इज प्रिंटर सर्कल बनाओ और राइट करो चलो तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है नाउ वी विल लर्न सेकेंड चैप्टर चलो यूजेज ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का यूज कैसे होता है तो यहाँ पे दिखाया गया है अ कंप्यूटर इज यूज्ड एट होम एंड इन स्कूल कंप्यूटर का यूज पहले तो कहाँ पे होता है आपके घर में भी पीसी होता है राइट उसको क्या बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी तो कंप्यूटर आपके घर में भी हो सकता है और स्कूल में जब आप स्कूल में आते हो तब आपका कंप्यूटर का लेक्चर होता है पीरियड होता है राइट तो स्कूल में भी वो अवेलेबल होता है या तो फिर आपके पापा जहाँ पे काम करने के लिए ऑफिस जाते हैं वहां पे भी कंप्यूटर होता है और घर में भी आपके घर में भी कंप्यूटर हो सकता है चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली स्क्रीन में क्या है ये अल्फाबेट से एबीसीडी फिर ये नंबर से फिर यहाँ पे कोई गेम है आप उसमें कार्टून देख सकते हो गेम्स खेल सकते हो मूवीज देख सकते हो राइट टर्न द पेज चलो अभी यहाँ पे देखो अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू राइट किसके लिए यूज होता है अल्फाबेट से यहाँ पे देखो राइट करने के लिए भी यूज होता है उसके बाद अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू ड्रॉ यस आप ड्राइंग भी कर सकते हो उसके ऊपर तो उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो राइट कर सकते हो देन अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू डू सम्स यस आप नंबर्स जो एड करोगे तो वहां पे आप सम्स कर सकते हो यहाँ पे एडिशन है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डिविडेंड कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो तो कोई भी नंबर होते हैं या फिर सम्स होते हैं वो यहाँ पे आप काउंट करके सॉल्व कर सकते हो देन अ कंप्यूटर इज यूज टू प्ले गेम्स आप गेम्स जो होती है जैसे मोबाइल में प्ले करते हो वैसे भी कंप्यूटर में भी कर सकते हो देन अ कंप्यूटर इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक यस म्यूजिक भी आप उसमें लिसन कर सकते हो और अ कंप्यूटर इज यूज टू वॉच कार्टून फिल्म एंड मूवीज क्या क्या देख सकते हो आप मूवीज भी देख सकते हो कार्टून भी और फिल्म भी देख सकते हो
देन अ कंप्यूटर इज यूज इन ऑफिस. यस ऑफिस, अगर आपके पापा ऑफिस में जाते हैं तो उनको पता होगा राइट, कंप्यूटर लैपटॉप वो सब कुछ वहां पे होता है. तो कंप्यूटर का यूज ऑफिस वर्क में भी होता है. देन अ कंप्यूटर इज यूज इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में कंप्यूटर जो आज के जमाने में वो एक टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही अच्छी वाली टेक्नोलॉजी है जो आपका काम एकदम इजी बना लेती है. तो आज सारी फील्ड में जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है या फिर ऑफिस है, कोई बिजनेस है, उन सब में कंप्यूटर जो है वो यूज होता है. तो यहाँ पे हॉस्पिटल में भी यूज होता है, ऑफिस में भी होता है. अ कंप्यूटर इज यूज्ड एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे भी कंप्यूटर आज यूज हो रहा है. देन अ कंप्यूटर इज यूज्ड एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे भी वो टिकट्स होती है, वो सब कुछ डेटा जो होता है वो रखता है, तो उसका काम इजी कर देता है. तो सारी प्रोसेस पे अभी कंप्यूटर यूज होने लगा है राइट. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. कौन से यूजेस होते हैं कंप्यूटर के, उसे आप राइट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, नंबर्स काउंट कर सकते हो, सम्स सॉल्व कर सकते हो, देन गेम्स प्ले कर सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, कार्टून मूवीज राइट, ये सब कुछ आप देख सकते हो. फिर वो कहाँ पे यूज हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है, ऑफिस में भी हो रहा है, देन एयरपोर्ट में भी हो रहा है और रेलवे स्टेशन में भी हो रहा है. चलो तो टोटल 2 चैप्टर्स हम ये वाली जो फर्स्ट टाइम की एग्जाम है उसमें लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर. बाकी के 3 चैप्टर्स आपको नेक्स्ट टाइम में लर्न करने को मिलेंगे. चलो तो ये चैप्टर्स 2 आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं. अगर आपके पास बुक है तो उसमें से आप कंप्लीट करवाओ, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, उसमें से आप लर्न करवाओगे.